हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में। तो मैं फिर से एक और वीडियो साथ आ चुका हूं फ्रेंड। और गाइज, आप लोग को याद होगा मैंने गाइज आप लोग को 2-3 दिन पहले बोला था कि गाइज टेंशन की तरफ से यहां पे काफ़ी सारा डाटा लीक हो चुका है, जिसके कारण से काफ़ी सारे लोग का यहाँ पर आईडी हैक हो रहा है। तो गाइज उस टाइम पे तो यहाँ पे टेंसेंट की तरफ से कुछ भी ऑफिशियली यहाँ पे नहीं बोला गया था, लेकिन गाइज यहाँ पे बता दूं कि अब ऑफिशियली यहाँ पे रिप्लाई आ चुका है टेंसेंट की तरफ से, यानी कि गाइज पबजी माल की तरफ से ऑफिशियली यहाँ पे रिप्लाई आ चुका है। तो गाइज यहाँ पे क्या कुछ बोला गया वो भी आप लोग यहाँ पे पढ़ के सुनाऊंगा। और साथ में गाइज अगर मान लीजिए आप लोग का यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है पासवर्ड यहाँ पे चेंज करने में, तो गाइज उसका यहाँ पे क्या सॉल्यूशन है वो भी आप लोग को बताऊंगा। तो गाइज आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, ताकि यहाँ पे आप लोग को आईडी हैक से रिलेटेड जितना भी डाउट है सब कुछ गाइज यहाँ पे क्लियर हो सके। तो गाइज स्क्रीन में आप लोग देख सकते हो ये पबजी मोबाइल की तरफ से गाइज ऑफिशियली जो डिस्कॉर्ड सर्वर रहता है वहाँ के गाइज यहाँ पे जो मेन हेड रहते हैं उनके तरफ से गाइज यहाँ पे देख सकते हो ये रिप्लाई आ चुका है, जहाँ पे गाइज इन्होंने बोला कि क्या पबजी मोबाइल का जो डाटा वो मतलब यहाँ पे लीक हो चुका है। तो गाइज इनके तरफ से यही बोला जा रहा है कि जो अकाउंट का सिक्योरिटी रहता है वो हम लोग का मेन मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, तो हम लोग इसको लेकर कंप्लीट यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप लोग को लगता है कि नहीं हम लोग का डाटा यहाँ पे सेफ नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे क्या करो कि अपना पासवर्ड को जितना जल्दी हो सके चेंज कर लो। यानी कि गाइज यहाँ पे एक तरह से मैं यही बोलूँगा गाइज कि इन लोगों की तरफ से घुमा फिरा के बोला गया कि आप लोग जितना जल्दी हो सके अपना पासवर्ड को चेंज कर लो, क्योंकि यहाँ पे डाटा लीक हो चुका है। लेकिन गाइज यहाँ पे ये लोग मतलब जानबूझकर मतलब गाइज यहाँ पे थोड़ा सा घुमा फिरा के बोला गया कि यहाँ पे हम लोग मतलब जो अकाउंट सिक्योरिटी रहता है उसका हम लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोग को तब भी यहाँ पे डाउट होता है तो आप लोग यहाँ पे अपना पासवर्ड चेंज कर लो। यानी कि गाइज थोड़ा बहुत मेरे को भी लग रहा है गाइज कि हाँ ये चीज़ मतलब यहाँ पे कंफर्म था कि डाटा यहाँ पे पबजी माल की तरफ से लीक हुआ है, तभी गाइज यहाँ पे इतने सारे अकाउंट अचानक से हैक होना स्टार्ट हो गया। तो गाइज अब यहाँ पे देख सकते हो ये ऑफिशियली भी गाइज यहाँ पे बता दिया गया कि आप लोग जितना जल्दी हो सके अपना पासवर्ड को चेंज कर लो, वरना गाइज आप लोग का भी आईडी में यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। अब चलो गाइज यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे गाइज यहाँ पे आप लोग अपना आईडी को सेफ एंड सिक्योर रख सकते हो, और गाइज कैसे आप लोग अपना आईडी को यहाँ पे हैक होने से बचा सकते हो। तो ओके गाइज, जैसा कि आप लोगों को याद होगा मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बोला था गाइज कि आप लोगों का यहाँ पे जो थर्ड वाला लिंक रहता है वो वाला डाटा यहाँ पे लीक हो गया है। यानी कि यहाँ पे जो ईमेल लिंक करके जो आप लोगों का ऑप्शन रहता है उसमें अगर आप लोगों ने यहाँ पे लिंक किया होगा अपना ईमेल या फिर फोन नंबर, तो वही डाटा का यहाँ पे लीक हो गया और उसी का गाइज यहाँ पे आप लोग को पासवर्ड चेंज करना था। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे आप लोग क्या करना था, मैंने बोला था गाइज कि आप लोग को सिंपली लॉग आउट करना है, और गाइज उसके बाद यहाँ पे मोर पर जाना है, फोन ईमेल का जो ऑप्शन है वहाँ पे जाना है, उसके अलावा गाइज यहाँ पे लॉग इन भाया ईमेल में जाना है, और गाइज यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो आप लोगों ने डाला होगा वो डाल के गाइज यहाँ पे आप लोग को 2-3 बार रॉन्ग पासवर्ड डालना पड़ेगा, जिससे गाइज यहाँ पे आप लोग का मतलब यहाँ पे रिसेट पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता। लेकिन गाइज हुआ ये कि मतलब गाइज जो भी इंडिया में रहते हैं उन लोगों का गाइज आप लोगों को पता है कि क्योंकि यहाँ पे इंडिया में मतलब पबजी बैन है, और गाइज यहाँ पे टेंसेंट का कस्टमर सर्विस बिल्कुल यहाँ पे बंद हो चुका है। तो इसलिए गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे लोग गाइज यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, तो गाइज उनको यहाँ पे मतलब जो पासवर्ड है गाइज वो मेल के थ्रू वेरिफिकेशन कोड नहीं मिल रहा है, या फिर गाइज बहुत लोग का यहाँ यहीं पर मतलब एरर आ जा रहा है, या फिर गाइज बहुत लोग का यहाँ पे लॉग इन फेल्ड आ जा रहा है। तो गाइज अब यहाँ पे मान लीजिए कि आप लोग का ऐसा हो रहा है तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो। तो गाइज फिलहाल के लिए मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि रिसेट पासवर्ड का आप लोग पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि गाइज यहाँ पे कस्टमर सर्विस बिल्कुल यहाँ पे बंद कर दिया गया है। इसलिए गाइज यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब पासवर्ड यहाँ पे पबजी माल भेज ही नहीं रहा है, रिसेट यहाँ पे इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो गाइज अब आप लोग के पास क्या ऑप्शन है कि या तो गाइज आप लोग यहाँ पे क्या करो, जो आप लोग का ईमेल है उससे गाइज यहाँ पे डायरेक्ट जाकर आप लोग मतलब जीमेल में जाकर अपना पासवर्ड चेंज कर लो। तो गाइज उससे एटलीस्ट क्या होगा कि जो आप लोग का जीमेल गाइज वो यहाँ पे बच जाएगा। हालांकि गाइज अभी भी आप लोग का पबजी माल का जो आईडी रहेगा वो भी गाइज यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहेगा। लेकिन गाइज अगर आप लोग मान लीजिए यहाँ पे जो सेटिंग्स में आप लोग का ऑप्शन रहता है फर्स्ट लिंक वाला, वहाँ पे गाइज एक तो आप लोग मान लीजिए कि फेसबुक, ट्विटर या फिर गाइज यहाँ पे गूगल पे से मतलब गूगल प्ले से तो आप लोग यहाँ पे लिंक करके रखे होंगे। लेकिन गाइज मान लीजिए कि अगर आप लोग यहाँ पे दूसरा वाला जो ऑप्शन रहता है वहाँ पे गाइज आप लोगों ने लिंक नहीं करके रखा है,
तो गाइज मैं आप लोग को यही बोलूंगा कि अभी जाकर गाइज आप लोग यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन रहता है वहां पे जाकर गाइज अपना कोई भी फेसबुक ट्विटर या फिर गाइज यहाँ पे गूगल प्ले का अकाउंट यहाँ पे लिंक कर लो। इससे क्या होगा गाइज कि अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे हैकर आपका आईडी हैक भी कर लेता है तब भी गाइज वो अपना आईडी को यहाँ पे लिंक नहीं कर पाएगा, क्योंकि गाइज आप लोगों को पता है कि एटलीस्ट यहाँ पे 7 से लेकर 30 दिन का यहाँ पे टाइम रहता है तभी जाकर यहाँ पे अनलिंक होता है। तो गाइज उससे पहले आप लोग यहाँ पे टाइम रहेगा इसके आप लोग अपना अकाउंट को यहाँ पे वापस कर लो यानी कि रिकवर कर लो। तो इसलिए गाइज मैं आप लोग को यही बोलूंगा कि अगर मान लीजिए आप लोग का ईमेल लिंक वाला ऑप्शन में आप लोग का पासवर्ड चेंज नहीं हो रहा है तो गाइज आप लोग यहाँ पे क्या करो, जो आप लोग यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लिंक जो रहता है दोनों में गाइज यहाँ पे आप लोग अपना फेसबुक ट्विटर या फिर गूगल प्ले यहाँ पे ऐड कर दो, ताकि गाइज मान लीजिए आप लोग का आईडी हैक भी हो गया तब भी गाइज यहाँ पे हैकर आप लोग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो यस गाइज यही था कंप्लीट फिलहाल के लिए सॉल्यूशन, क्योंकि गाइज यहाँ पे पबजी माल की तरफ से यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट सर्विस गाइज यहाँ पे बंद कर दिया गया इंडिया में। तो इसलिए गाइज आप लोगों के पास बस यही ऑप्शन है अपना आईडी को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए। तो यस गाइज बेसिकली यही था कंप्लीट, मैंने गाइज आप लोग यहाँ पे प्रोसेस बता दिया कि कैसे गाइज आप लोग अपना आईडी को सेफ एंड सिक्योर कर सकते हो। तो यस गाइज बस आज के लिए इतना ही, बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में इकोनिटी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।